पहली बात तो आप ये करो, छोटी बातें के आप लोग गुस्सा ना किया करो। चलिए तो आसान बात होगी ना, इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है, गुस्सा आता है। आप लोग शोहरत का और पैसे की बहुत तमन्ना छोड़ दो, चलो ये भी आसान हो गया। आप लोग जिंदगी में अपने आमाल के हवाले से तौबा का अमल जारी रखो, अल्लाह ताला माफ फरमाए। आप लोग अपना अल्लाह ताला से मांगने का अमल जारी रहे, अल्लाह ताला मेहरबानी फरमाए। आपकी जात जो है लोगों के लिए बेहतर बाजी है कि मनसद वाली बन जाए, लोगों को जरूर कोई ना कोई फायदा पहुंचाओ। आपकी जात को फायदा होना चाहिए, कम अज कम आपकी जात से किसी को तकलीफ नहीं होनी चाहिए, ये तो कम अज कम है ना, तो ये जरूरी बात है। और जो उसकी गलती है सुधार तो देनी थी ना, गलती है तब भी है सुधार कम ही रखो। अच्छा, इस दुनिया में इंसान ने कुछ भी नहीं कर रहा, मैं आपको बता रहा हूँ खास बात, हम जो है ना हम करके जाते हैं ये इंकलाब इंकलाब, वही इंकलाब हमने कभी नहीं किया। इंकलाब एक आया दुनिया में हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वाला, के दुश्मन आपस में दोस्त हो गए, दिलों का इंकलाब, मोहब्बत का इंकलाब, बड़े इंकलाब आज तक चला रहा है। ये अंदाजा लगाओ कि उन जमाने के लोगों के ईमान बड़े कवि थे साहब, उन जमाने ना अव्वल, मैं एक लिहाज से कहता हूँ कि आजकल के लोगों का ईमान भी बड़ा कवि है। वो तो हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास रहते थे, हम 14 सदियां दूर हैं और फिर मतलब जो उस तस्करे में रहते हैं, ये भी खास करम और इनायत है, और ये बड़ी इनायत है उनकी के जोग्राफियाई तौर पर भी दूर हैं, तारीख के तौर पर भी दूर है। तारीख 1400 साल गुजर गई है और जोग्राफिया वैसे कितने हजार मील दूर है हम उस इलाके से भी, तो फिर अगर इस इलाके में मतलब हुज़ूर पाक की मोहब्बत अगर है तो ये उनका खास ही इनायत और करम है, ये बगैर उनकी तवज्जो के हो नहीं सकता। ये आपको इस बात की बहुत मुबारक है, यही का वाक्य है, ये इलाका है, खास इलाका है, यहाँ दरवेश इसलिए आए हैं कि शायद इस जमीन में कोई ना कोई वाक्य करना हो। ये बहुत हीरे रफ्तवाई ठंडी आवाज यहाँ से, ये इलाका बहुत, तो आप बुजुर्ग भी यहाँ पर हैं, ये खास एक बात है कि आप लोगों को अपने ईमान की कदर करनी चाहिए। ये आपने कमाई नहीं की, ये आपको इनायत हुआ है, खास इनायत हुआ है ईमान, इसकी बहुत कदर करो। और इतने अरसे के बाद हुआ है और आज भी आप ऐसे महसूस कर रहे हैं जैसे उस जमाने में हो, बड़ी बात। हालात उसके प्रेशर में है, दबाव में है, बेशुमार वहाँ के आते हैं, शादियाँ नहीं होती हैं जब तक पैसे ना हों, दावा लगाओ ये समाज में ना पड़ा है, इसलिए जायज़ काम करने के लिए भी नाजायज़ जरिए अख्तियार करना पड़ता है, ये बड़ी ट्रेजेडी हो गई हमारे साथ। फिर भी आप अल्लाह का शुक्र अदा करो और दुआ करो कि या अल्लाह ताला आप अच्छे हालात पैदा फरमाओ, ताकि एक बार वो वक्त आ जाए जब हम देखें कि दूध दूध हो जाए पानी पानी, ताकि हक वाले को हक मिल जाए, मेहनत वाले की मेहनत जो है ना वो रायगान हो, और नेकों के लिए अकशाश रिज्क अता फरमा या अल्लाह। नेकी को दिखाने का मकसद फरमाना ये ना कि रिज्क पर बदी गालिब रहे, रिज्क आजकल जो है ना उधर ज्यादा है, इसलिए दुआ ये करो कि इन लोगों के पास रिज्क हो, सच्चे लोगों के पास हो और दिल वालों के पास हो, उनकी दुनिया बेहतर हो जाए, फिर बाकी ठीक हो जाएगा, दुरुस्त हो जाएगा।